अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनसरवान, आप और आपका दोस्त एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बनाएंगे लैम कढ़ाई, जो बड़ी मज़ेदार बनती है और बड़ी आसानी से बन जाती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चलाएंगे चूल्हा। चूल्हा मैंने जला दिया है। मैंने लिया है लैम 1.5 kg है, पतीले में डालेंगे। अब डालेंगे इसमें पानी, तकरीबन 1 गिलास पानी में डालूंगा। और इसको मैं डालूंगा लहसुन 2 टीस्पून है और अदरक डालेंगे 2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको कवर कर लूंगा और तकरीबन 30 से 45 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। टमाटर काट लेंगे। मीडियम साइज के 5 टमाटर लिए हैं मैंने और इनको कुछ ऊपर काट लेंगे। हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन उठा कर देखते हैं क्या पोजीशन है। माशाल्लाह पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब हम डालेंगे टमाटर। तकरीबन 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद फिर दोबारा देखेंगे। इसको काटेंगे सब मिर्च, बड़ी बड़ी काटेंगे वो भी। मैंने काट ली है बारीक बारीक और 5 मिर्चें मैंने साबुत रख ली हैं और जिससे उनको फिर मैं टक लगाऊंगा। ढक्कन उठा कर देखते हैं। माशाल्लाह टमाटर गल चुके हैं अच्छी तरह से। टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब इसको हम बगैर ढक्कन के पकाएंगे। जी अब पानी खुश्क होने के करीब है तो अब हम डालेंगे इसमें मसाले, जो कुछ इस तरह हैं। सुर्ख मिर्च ली है मैंने 1.5 टीस्पून और धनिया पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून और ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी ली है मैंने 1/4 टीस्पून और नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। आप हसबैंड दूध भी ले सकते हैं। अब इसको हम सबको इसमें डाल देंगे। मसाले डाल दे, कलर चेंज हो गया और खुशबुएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, जो मैंने लिया है 1 कप लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी यूज कर सकते हैं।
हम मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। माशाल्लाह पानी खुशक हो चुका है जी, और रंगत देखें कैसी खूबसूरत रंगत आई है। अब हम इसमें डालेंगे दही, वन टेबल स्पून एंड थ्री। माशाल्लाह माशाल्लाह, दही डालने से देखें रंगत चेंज हो गई है, कैसी खूबसूरत रंगत आई है इसकी। अभी हम इसको भुनेंगे अच्छी तरह से। गोश्त हमारे हमने भून लिया अच्छी तरह से, ये देखें कैसा खूबसूरत कलर आया। और अब हम इसमें डालेंगे मिर्चें, सब्ज़ मिर्च डालेंगे, वन टू थ्री एंड फोर एंड फाइव, एंड चूल्हा कर देंगे हल्का, फ्लेम को हम करके लो। और डालेंगे कसूरी मेथी डालेंगे, और जो इसका लेवल हाई कर देगी। और अब इसको हम हल्की आंच पे सिर्फ दो मिनट के लिए पकाएंगे। चलें दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशबू आ रही है। माशाल्लाह जी, अब हम इसकी करेंगे गार्निश, अदरक डालेंगे, यूनियन कट में डालेंगे धनिया, हमारी डिश तैयार होगी। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखें जी कैसा प्यारा कढ़ाई गोश्त बना है। टेस्ट करने का, तो मिस्टर शाहजान टेस्ट करेंगे, प्लीज टेस्ट करें जी। बहुत लजीज है और बहुत बहुत ही मजे का, आप भी ट्राई करें, जो पसंद आएगा आपको। माशाल्लाह बहुत मजे का, थैंक यू। लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।